सो और गाइस क्या हाल चाल। तो आज हम लोग आ चुके थे यासनाया में, और भाई यासनाया में ना उतरते ही हमारी ही छत पर बंदे उतरते, तो इनके साथ बहुत गलत सीन होने वाला है। ये अगर हम इनकी जगह होते तो हमारे से जब उतर बहुत दुख होता, तो इनका दुख तो अपन समझ सकते हैं ना मेरे भाई। तो इन दोनों को जैसे अपन फिनिश करते हैं, उसके बाद अपन लूट वूट करने में फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इनको तो बहुत गंदा वाला अपन ने वापस प्लेन में बैठा दिया था। उसके बाद अगर अपन थोड़ी सी केडी बढ़ाते, क्योंकि केडी बढ़ना कभी रुकना नहीं चाहिए ना रे देवा। तो फटाफट से केडी बढ़ाते हैं, और फिर अपने को सामने जो फूड आता है, इधर ज्यादा बंदे आए तो नहीं थे, लेकिन जो एक बंदा था वो इधर था। ठीक है, मेरे को लगा कि मैप में दो ही गार्ड, तो एटलीस्ट इधर मैप में दो होने चाहिए, बट निकलता भाई एक ही है फुट्स के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं इतने ग्रेनेड कर रहा हूँ, इतने ग्रेनेड कर रहा हूँ कि इसने सोची ना हो भाई, लिटरली इतने ग्रेनेड कर दिए, बट ये बताओ फर्क नहीं रहा था। पता नहीं कौन से कौन छुपके बैठा था, लेकिन इतना तो मेरे को पता ही है, इतने ग्रेनेड देखने के बाद तो ये भी यही बोल रहा होगा बात करें जरा इससे। पटेल भाई, हेलो भाई, हेलो हेलो राज भाई, क्या हाल है पटेल भाई, कहाँ से हो पटेल भाई, पटेल भाई, पटेल भाई, भाई पटेल, पटेल 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 तेरे हो पटेल, पटेल के पाल दिया पटेल पटेल। तो उसके बाद गाइस हम लोग इधर आ जाते हैं, अपनी थोड़ी सी केडी बढ़ाते हैं। ये केडी बढ़ाने के बाद जैसे अपन रोमियो भाई के पास बंदे सुनते हैं जाने के लिए, रोमियो भाई यार अपने सारे गिल ले यार, बोला लिटरली उसने मार दिया उन लोगों को। लेकिन उसके बाद ही फिर मैं केडी बढ़ा जाता हूँ, एक बग्गी आते हैं मेरी तरफ, और भाई मेरे को लगता है कि ये लोग मेरे को मारने में फोकस करेंगे, लेकिन बग्गी वाले बंदे तो मेरा किल चुराने में ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो तो अच्छा है, वो किल फिनिश हो जाता है, और भाई ये लोग लिटरली मेरे ऊपर अंदाज करते हैं। उसके बाद देखना अभी क्या होने वाला है भाई, इसको तो आने वाला निकाल लिया, लेकिन अगर भाई चांस होने वाले का कवर नहीं मिलता ना, तो यार आप भारी सीन हो सकते थे। तो भाई साहब ऐसे कवर मिल जाए तो क्या ही कहने। उसके बाद आप पे अपनी केडी पर आके अपनी पोचिंग की वहां से पोचिंग में इस बंदे को फिनिश करते हैं, और उसका जो आखिरी बंदा था ना उसकी बहुत गलत अपन फाड़ने वाले, बहुत ही ज्यादा गलत। बस अभी तुम देखते जाओ, मैं इतनी मौली करता हूँ, इतनी मौली करता हूँ, फिर मौली तो छोड़ो ही छोड़ो, ग्रेनेड भी कर देता हूँ, मतलब लिटरली जो बचा बुचा होगा वो भी बंदा फट जाएगा। लेकिन भाई ग्रेनेड से तो वो फटता नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है। तो भाई अभी तुम देखना बस, तो भाई मजा आ जाएगा इसके बाद अपन जो करने वाले हैं। भाई लिटरली भाई का तो करियर ही खत्म कर दिया अपन ने। उसके बाद फिर अपने को ट्रिपल स्टोरी से फुट आता है, ये बनने हैं तो अपन ग्रेनेड वगैरह कर रहे होते हैं, रोमियो भाई कहीं और ही वाइड लेना चालू कर देता है और नॉक हो जाता है। तो भाई अभी इसको रिवाइव देना बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि तो हमारे आगे बंदे थे, पीछे ही बंदे थे, तो मैं पूरी अच्छी तरीके से स्मोक वाला फेंक देता हूँ जिससे कि इजीली रिवाइव हो पाए। फिर रिवाइव वगैरह देने के बाद अब मैं चला जाऊँ रश करने के लिए। अब मेरे को पता चलता है एक बंदा तो हमारी बिल्डिंग के नीचे ही है, और इसका जो एक बंदा लेफ्ट वाले ब्लू हाउस में है, तो फटाफट से एक प्यार सा ग्रेनेड मैं कुक करता हूँ। तो बस देखो क्या ही सख्ती ग्रेनेड होने वाला है। तो भाई ग्रेनेड तो बड़ा प्यारा था, लेकिन रोमियो भाई को इतनी प्यार दे से नॉक दे दिया, और मैंने भी बहुत गंदा चुप कर दिया। लेकिन भाई मैंने ठान लिया था भाई मैं ना छड़ूंगा इसे, ठीक है, लेट मी शो हिम हु इज द डैडी ब्रो। तो चलो भाई अपन फिर से वापस जाते हैं, लेकिन अभी सीरियस नोट पे जो देखा जाए तो रोमियो भाई रिकॉल हो पाया नहीं, क्योंकि देखो अभी रिकॉल के लिए सिर्फ 8 सेकंड बाकी। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, वो रेड वाला जो निशान रहता है उसका भाई डिपेंड करता है, और वो बंदे फिनिश नहीं कर रहे थे रोमियो भाई को, तो रोमियो भाई के साथ बहुत ही बार इसी होने वाला है गाइस, ठीक है। तो भाई एक तरीके को लगा कि नहीं होगा रिकॉल, लेकिन भाई क्या किस्मत थी कि हो गया। अच्छा, और भाई इसके होने के बाद ही 2 सेकंड वाला रिकॉल बंद हुआ है, तो लास्ट मोमेंट में रिकॉल हुआ भाई। आपका कोई टीममेट कभी ऐसा होता बताना जरूर, और इवन मेरे को दिख जाते हैं, और फिर देखो भाई लिटरली उसके टीममेट ने तो मेरे कपड़े भी पहन लिए। तो भाई अब तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, अब तो भाई आ जाओ भाई प्योर आ ही जाओ। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ से एंगल मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई, अगर मैं ज्यादा लेट करूंगा तो हो जाएगा। और क्या ही बदल लिया यार, खुश तो दयानी ब्रो। उसके बाद अपन इधर की साइड आ जाते हैं, अगर आपको अच्छा लगा ना कमेंट करके जरूर से बताना। स्कोर ऑफ में इसका टीममेट नॉक होता है भाई, अपन इसको मार दे पाटिल भाई अगेन यार। पाटिल भाई की किस्मत में ही आज हमारे हाथों मरना लिखा था। उसके बाद अपन जोन एरिया डिसाइड करते हैं कि भाई रोमियो भाई को किसी ने और मार दिया, पिच्छू पिच्छू से उनके पिच्छू लाल कर दिया। उसके बाद भाई ये आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, या सर्वर इशू है, या फिर सही में कुछ गलत सीन हो रहा है कि
इस मैच में भी कुछ हैकर वाला सीन होने वाला है, ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब पता नहीं मेरा नेटिव शो हो सकता, सामने वाला नेटिव शो हो सकता है, मेरे को बस मेरे को ये गोलियां कैसे पड़ी है। चलो नॉक तो भाई क्या गंदा हुआ हूँ, और फिनिश भी मतलब बाहर से वो गोलियां ऐसी चलावा भाई कैसे लग रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना ये लोग जेन्युइन है या कुछ सर्वर इशू है या क्या है। तो भाई इसके बाद तो भाई इसको मार देगा ऑफकोर्स, भाई अपन ने बता दिया कैसे मारना है। तो इसको फिनिश करने के बाद रोमी भाई तो आपको पता ही है उसने चिकन नहीं कर होगा, मजाक से हट के बहुत ही गलत सीन होता है इसके बाद। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।